So hey guys, welcome back to this channel. Again, I'm something new that I wanted to share to with all of you. Okay, so it's about God. Okay, so from last 1 month, okay, एक महीने से ना मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं हनुमान चालीसा रोज उसको जो मंत्र है ना उसको मैं चांट करूँ, क्योंकि मैंने ये रियलाइज किया दैट दिस हनुमान चालीसा जो है दैट मेक्स मी वेरी काम फ्रॉम विद इन, एंड ये मेरी फोकस में भी बहुत हेल्प करती है. तो ये मुझे बहुत बाद में पता चला, क्योंकि मैंने कभी मतलब मैं पढ़ती थी, वो बुक होती है एक छोटी सी किताब होती है जहाँ पे हनुमान चालीसा पूरा लिखा होता है, तो मैं उसको रीड आउट करती थी, तो प्रेयर के टाइम में वो करके भूल भी जाते थे. बट अभी ना मुझे लाइक रियलाइज हो रहा है ये चीज़ कि कोई मंत्र जो होती है वो बहुत ही पावरफुल होती है. तो मुझे मैंने पहले पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे उसकी मीनिंग जो है मुझे बहुत वो समझ में आने लगा, लाइक इट. उसके बाद से मैंने अभी पढ़ना ना मैं स्टार्ट कर रही हूँ, और मैं रोज़ पढ़ने की कोशिश करती हूँ चाहे कुछ भी हो जाए. लाइक इट्स माय डेली रूटीन कि मैं जब भी पढ़ने जा रही हूँ, लाइक मैं लाइब्रेरी जाती हूँ तो वहाँ पे अगर मैं 8 बजे जाती हूँ तो मैं वो पहले वो सुनती हूँ, या फिर मैं उसको मंत्र ऐसे मन में गाती हूँ, फिर मैं अपना काम करती हूँ. आपको ये फील होगा कि भगवान जी मेरे साथ हैं, हनुमान जी मेरे साथ हैं, तो आप इसको वो मंत्र जो है हनुमान चालीसा जो है आप उसको रीड आउट करना स्टार्ट करोगे, और जो कि एक्चुअल में आपको बहुत काम फील कराएगा. सो द होल पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज कि मैं गई थी एग्जाम देने कई एक जगह पे, ठीक है. तो वहाँ पे आई वाज लुकिंग फॉर कि मुझे ना मिल जाए, कि जब से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया हनुमान चालीसा तब से मुझे लगा कि मुझे एक फोटो चाहिए उनकी, तो मैं उनको पूजा करूंगी, ठीक है. सो तो मैं इसे ढूंढ भी रही थी मन में, तो मैंने सोचा कि ठीक है एक बार एग्जाम हो जाए उसके बाद मैं जाऊंगी अच्छे से खरीद लूंगी टाइम लेके. तो जो जहाँ पे भी मैं गई वहाँ पे मैंने देखा, लेकिन वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, और उस दिन मेरा एग्जाम भी था. मैंने कहा पहले ये हो जाए फिर उसके बाद मैं देखती हूँ. तो समहाउ वो दुकान से मैं नहीं ले पाई, लेकिन मेरे मन में था, आई वॉज लुकिंग फॉर इट, ओके, कि मुझे था कि मुझे मिल जाए या फिर मैं कहीं दुकान पे मुझे दिख जाए तो मैं ले लूँ, तो ऐसे हुआ नहीं. तो व्हाट हैपेंस इज जहाँ पे मैं पढ़ती हूँ, जहाँ पे मेरी लाइब्रेरी है, तो वहाँ पे ना ऑल ऑफ अ सडन जिस दिन मेरा एग्जाम खत्म हुआ था उस दिन जब मैं नीचे हमारे आई कि मतलब जहाँ पे हमारी पार्किंग थी, तो वहाँ पे ना मुझे मिले हनुमान जी की जो ये है, ये जो लगाया है मैंने इधर, ये है मतलब एक कॉटन का, जो जैसे हम लगाते हैं ना साइकिल पर, जैसे हम लगाते हैं गाड़ियों में, तो दैट्स द काइंड ऑफ फ्लैग जैसे ऐसे होता है ना हम गाड़ी पे लगाते हैं जो सारी चीज़ पे. तो वहाँ पे मैंने देखा कि ये लगा हुआ है उस मतलब वो वॉल पे किसी ने ऐसे उसको लटका दिया है एक स्टिक के जरिए. तो मैंने मतलब आई गॉट वेरी हैप्पी, तो मैंने उसको लिया और मैंने अपने बैग में रखा, दोनों फोटो लिए, देन मैं वापस आ गई, मतलब घर आ गई, तो उसको साफ किया, फिर मैंने अपने डायरी में चिपकाया, फिर मैंने कहा ठीक है डायरी पे नहीं अच्छा लग रहा है तो इसको मैंने घर पे रखा दिया, मेरे बुक्स जहाँ पे है उसके ऊपर, तो वहाँ पे है, ठीक है. तो हाँ, ये एक चीज़ मतलब हुई, मतलब समथिंग अनएक्सपेक्टेड हुई. तो मुझे लगा कि जैसे हम चाहते हैं ना कोई चीज़, मतलब अगर दिल से चाहते हैं एंड उतना डेस्परेट नहीं है, वी आर जस्ट की थिंकिंग लाइक कि ठीक है मिल जाए अच्छा लगेगा, मतलब एक ढूंढ रहे हैं, बट वी आर इन काम, वी आर नॉट रशिंग इन टू थिंग्स एंड वी आर नॉट डेस्परेट टू गेट दैट. तो इट वॉज लाइक ठीक है मिल जाए तो बहुत अच्छा लगेगा. तो भगवान जी की कृपा है, हनुमान जी की ब्लेसिंग से ये मुझे मिल गई, एंड लिटरली आई वॉज इन टीयर्स इन दैट डे कि मैं ढूंढ रही थी भगवान जी को एंड वो मिल गए, वो चाहे पेपर में जरिए हो या फिर चाहे क्लोथ के जरिए हो, कुछ भी हो, लेकिन मिल गए ना, दैट्स द बिग थिंग फॉर मी. फिर और एक कहीं पे भी मैं गई थी बस में, ठीक है. तो वहाँ पे जब मैं बस में रिटर्न कर रही थी, तो मैं ना अभी ऐसे ज़्यादा कोई दूसरा गाना नहीं, मैं जब भी फ्री होती हूँ या फिर कुछ भी कोई काम कर रही होती हूँ, कुछ भी, लेट्स सपोज मैं वर्क पे हूँ या फिर कुछ काम कर रही हूँ, अब कपड़े ठीक कर रही हूँ, बुक्स वगैरह रख रही हूँ, तो हमेशा मेरा ऐसा ही होता है कि मैं जो हनुमान चालीसा के कुछ पार्ट्स हैं मैं गाने लगती हूँ, उसके बीच वाले पार्ट्स हो गए, कुछ भी, तो स्टार्टिंग से याद रहता है नहीं रहता है, लेकिन मैं गाती हूँ, मेरे गुनगुने में वो चलता रहता है, ठीक है. तो वो मैं इसे गा रही थी, तो जब भी सडनली मैंने जब बस में एंटर किया, तो एकदम जो बस वाले जो स्टार्टिंग में होते हैं ना, उन्होंने यही सेम बजा रहे थे हनुमान चालीसा. तो मैं पूरा भाग के गई सामने वाली सीट पे, मैं बैठ गई और वहाँ पे पूरा ऐसा चलता रहा जो स्लो डाउन, मतलब स्लो वाला जो होता है, तो वो मैंने सुना, फिर मैंने गाया, फिर मुझे इतना अंदर से इतना अच्छा फील हो रहा था, एंड मैं इतना थैंकफुल हो रही थी उस मोमेंट पे कि मतलब कुछ चीज़ें जब अनएक्सपेक्टेड होती है वो कितनी खूबसूरत होती है हमारी ज़िंदगी में, जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं. एक तो होता है हम बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं, हम बहुत ही ऐसे नहीं नहीं मुझे मिल जाए ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और एक होता है कि
मुझे मिल जाए तो सही है, नहीं मिले तो मैं कोशिश करूँगी, वरना उनके भरोसे, सब उनके भरोसे हैं। तो मैं यहाँ पे डिस्परेट नहीं थी, आई वॉज वेरी इन काम कि ठीक है मिल जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं इतने टाइम से प्रे कर रही हूँ, इतने टाइम से मैं हनुमान चालीसा गा रही हूँ, तो भगवान जी की आएगी एक प्रतिमा कुछ, तो मुझे बहुत ही अच्छा फील होगा। तो उसको सोच के मैं बस आई वॉज लुकिंग फॉर अ फोटोग्राफ और एनी पीस ऑफ कोई भी कुछ मिल जाए तो मैं लगाऊंगी और वो हनुमान चालीसा मैं गा पाऊंगी। तो देखो वो हो गया, ठीक है। एंड मतलब बाद में मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि जैसे कि अंदर से अगर, जैसे बच्चे होते हैं वो दिल से एकदम मतलब वो सच्चे ही होते हैं, तो वो मन से अगर आप कुछ मांगते हो और उतनी प्योरिटी के हिसाब से मांगते हो तो वो मिल ही जाती है। और उसके लिए भी आपको बहुत मतलब अवेयर रहना पड़ता है, उसके लिए भी आपको वो एफर्ट्स भी डालनी पड़ती है। अगर मैं ऐसे सोचती कि ठीक है मैं इस बस में नहीं जाऊंगी, नेक्स्ट बस देखती हूँ, या फिर कुछ भी अगर ऐसा होता है, लेकिन एक होता है ना कि मेरे मन में वो भगवान जी का वो चल रहा है, चालीसा, हनुमान चालीसा का वो गाना चल रहा है, वो प्रेयर चल रही है, दैट मीन्स मैं जो भी काम कर रही हूँ मैं पूरी तरह से वो काम तो कर रही हूँ, लेकिन मेरे मन और मेरे दिमाग के हिसाब से मैं भगवान जी को याद कर रही हूँ। आई मीन थिंग्स लाइक दिस, ओके। तो मुझे ये इतना अच्छा लगा उसको देख के, और मतलब सारी चीज़ें मिल ही जाती है, एंड सारी चीज़ें धीरे धीरे टाइम के साथ हम जब बड़े होते रहते हैं हमें रियलाइज़ होता है कि भगवान जी की एक पावर तो होती है, हम वी कैन नॉट डिनाई दैट, जो पावर होती है वो हमें रियलाइज़ होने में वो टाइम लगता है, क्योंकि हम भगवान जी को बहुत लिमिटेड वे में रखते हैं कि एक पेपर में रख लिए या फिर कोई मूर्ति में रख लिए, उसको पूजा करना भी बहुत सही बात है। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ एनीथिंग, बट आई एम सेइंग कि हमें ज़्यादातर ये चीज़ ह्यूमंस में देखनी चाहिए, क्योंकि पर्सनली इन माई ओपिनियन जो मतलब जो इंसान होता है ना उसी में ही भगवान बसते हैं, है ना। तो इसलिए मैं ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि कोई भी कुछ भी हेल्प चाहिए या फिर कुछ भी कुछ चाहिए किसी को, तो उसको दे दो, उस मोमेंट पे दे दो, चाहे तुम्हारे पास नहीं है, अगर तुम्हें लगता है कि उसको ज़्यादा ज़रूरत है तुमसे भी, सो जस्ट गिव इट आउट, एंड सोचो मत कि तुम्हारा क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरे साथ ऐसे बहुत हमेशा हुआ है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने बारे में नहीं सोचती हूँ, मैं दे देती हूँ, क्योंकि सामने वाले को मेरे से भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो मैं दे देती हूँ जब, तो मुझे वापस किसी ना किसी तरीके से वो मिल ही जाती है। अगेन माई पॉइंट हियर इज नॉट टू गिव द इन्फॉर्मेशन कि आप दो ताकि आपको मिले, नहीं, मेरा इन्फॉर्मेशन मतलब कहने का पॉइंट यही है कि अगर आपको कोई नीडी इंसान दिखता है या फिर आपको लगता है कि इसको शायद ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे से भी ज़्यादा इसको ज़रूरत है, तो यू शुड गिव दैट अवे। तो आपको कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, ये ऊपर वाले वो प्लान कर लेंगे आपको कैसे मिलेगा और कैसे बेहतर मिलेगा, लेकिन पहले आप दूसरे सामने वाले इंसान को तो समझो, उसके नीड्स को तो समझो, वो कैसे क्या कर रहा है, कैसे रह रहा है, उसके ज़िंदगी में क्या है, उनको वो कैसे खाना खाते हैं, जो भी लोग हैं ना हमारे चारों तरफ, तो सो जस्ट ट्राई टू हेल्प, जस्ट ट्राई टू हेल्प, एंड कुछ बड़ा भी नहीं, कुछ आपको आपकी ज़मीन नहीं देनी है उन्हें, छोटी मोटी चीज़ अगर आप दे देते हो ना बिना कुछ एक्सपेक्ट किए, ठीक है इस इंसान को शायद ज़्यादा ज़रूरत है, मुझसे ज़्यादा उनको ज़रूरत है, जस्ट दे दो और भूल जाओ, दे दो, वो इंसान उसको रखे, वो उसको लेके खुश रहे, मतलब हमेशा दूसरों के लिए वो इतनी पॉजिटिविटी भर दो अपने अंदर, और आप देखोगे आप हाई वाइब्रेशन में चले जाओगे, मतलब आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपको भूख लग रही है लेकिन आप दूसरे की पेन को समझ पा रहे हो, आप सामने वाले की जो दर्द है उसको समझ पा रहे हो, और अपना खाना आप दूसरे को दे रहे हो, दैट मीन्स यू गॉट समथिंग दैट नोबडी गॉट्स, राइट, एवरीबडी, सबके पास ये नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप उसकी दर्द को समझ के ये कर पा रहे हो और दे पा रहे हो, दैट मीन्स यू हैव अ बिग हार्ट, एंड आपको कैसे मिलेगा क्या मिलेगा ये सब उन्होंने प्लान करके रखा है, आपको मिल ही जाएगा अगर आपने दिया है वो प्योरिटी के हिसाब से तो, लेकिन अगर आपने सिर्फ ऐसे दिया है कि मुझे मिल जाए तो दिस इज नॉट गोना वर्कआउट। तो माई पॉइंट हियर इज टू कि जब भी आपको कोई मदद करने वाला या फिर मतलब आप किसी नीडी इंसान को देखते हो तो जस्ट दे दो उनको बिना कुछ एक्सपेक्ट किए, एंड हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन मान लो, कुछ भी मान लो, ये चीज़ें कभी कभी काम कर जाती है, हमारे अवेयरनेस में नहीं होती है फिर भी काम कर जाती है, क्योंकि हमने एक मोमेंट पे शायद कोई चीज़ पे स्ट्रांगली बिलीव किया था, शायद कोई चीज़ को एकदम प्योरिटी से हमने मांगा था, शायद वो चीज़ काम कर गया। हम बोलते हैं ना कि कुछ कुछ चीज़ें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मिल जाती है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें नहीं मिलती है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, ज़्यादा ही मतलब बहुत ही फोर्स करते हैं कुछ कोई चीज़, तो वो नहीं होती है, वो आउट ऑफ हैंड चला जाता है, आउट ऑफ पता नहीं कहाँ चला जाता है, लेकिन नहीं होता है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जब हम प्योरिटी के हिसाब से एकदम छोटे बच्चे के हिसाब से शांति से बोलते हैं, एकदम अंदर से वो चीज़ आती है, तो शायद वो चीज़ समहाउ इट कनेक्ट्स एंड यू गॉट इट। तो इट्स नॉट एनी काइंड ऑफ रॉकेट साइंस, मुझे लगता है अपने आप में प्योर बनना, अपने आप में एक काम इंसान बनना, इट्स अ बिग थिंग, एंड अगर आप दूसरे की परेशानियाँ, दूसरे की प्रॉब्लम्स, एंड इफ़ यू हैव द अबिलिटी टू अंडरस्टैंड हाउ अदर पर्सन इज फीलिंग, देन इट्स अ बिग थिंग। So yeah, everything will work out, but for that we have to be patient and we have to believe कि नहीं ये चीज़ काम कर लेगा।